Hey, today I will show you how to use jcheater. So first of all, we have to open the GTA San Andreas. और मैं आपको बता देता हूँ कि ये GTA San Andreas मोड में होना चाहिए. ये देखिए, आप ओपन तो कर लेंगे इसको. ये देखिए, इसे रन होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए प्लीज वेट. हाँ, तो जैसा मैंने कहा था, ये गेम चालू होने के बाद आपको पहले क्या करना है, सबसे पहले तो कोई गेम या फिर मिशन सेव करना है, या फिर नहीं तो कोई घर खरीदना है वगैरह वगैरह. तो जैसा कि आप देखेंगे, अब मैं jcheater ओपन करूँगा. ये देखिए, GTA cheater. ये देखिए, कंटिन्यू दबाना है. मैंने तो पांच सेव करके रखे हैं. तो आप जिसके ऊपर मेन सेव करना चाहते हैं या जिसके ऊपर ओपन करना चाहते हैं, उसके ऊपर ही क्लिक करिए. तो मैं सेव 5 पर ओपन करूँगा. ये देखिए इस तरह से. ये देखिए, अब मैं बताऊंगा आपको क्या क्या करना है. सब जो जो आपको चाहिए वो कर देना है. आपको जो प्रोफेशनल वेपन चाहिए तो वो ले सकते हैं, थग वेपन सेट या नटर वेपन सेट. प्रोफेशनल मेरे अच्छा रहूँगा. और सेव दबा देना. देखिए क्या लिखा है, चीटर एक्टिवेटेड, नाउ लोड दिस सेव गेम. अब क्या करना है, स्टार्ट पे दबाना है और लोड गेम में जाना है. लोड गेम में जाके 1, 2, 3, 4, 5, 5th पे जाना है. ये और ये दबाना है. जैसा कि आप देख सकते हैं, ऊपर लिखा है स्टैमिना अपग्रेड मैक्सिमम रीच. तो ये आप देखिए, अब मेरे पास अब हर तरीके की गन आ चुकी है, देख सकते हैं आप. तो इसी तरह jcheater को यूज़ किया जाता है.